सैनकुल स्टूडेंट्स, आज हमने अपना माइटोसिस का जो टॉपिक था वो स्टार्ट करना था। मैंने आपको पिछली क्लास में सेल साइकिल समझा दिया था, सेल साइकिल के हमने सेल साइकिल भी पढ़ाया था और उससे पिछले लेक्चर में हमने ऐसे लोग डिस्कस किए थे सेल साइकिल के रिलेट। उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन्स थी, हमारा अभी नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ। जो कन्फ्यूजन जो क्वेश्चन आपने किए थे मैं उसका आंसर अभी बताती हूँ मैं आपको। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास होगी वो ऑनलाइन ही हमारी क्लास होगी, उसमें आप मुझसे पूछ लेना कि मैं इस क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको फिर से वो चीज़ रिवाइज करवा दूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको, आपने जो मुझसे ही पूछा था कि मैं जो हमारे पास सोमेटिक सेल्स होती हैं वो क्या हमारे पास सिर्फ ब्लड सेल्स है या बोन सेल्स या नर्व सेल्स या सिर्फ यही सेल्स होते हैं या अदर्स भी हमारे पास सोमेटिक सेल्स होते हैं, उसका भी मैं पहले आपको आंसर दे देती हूँ कि सोमेटिक सेल्स का हम पहले डेफिनेशन में दिख रहे थे। ये छोटी छोटी जो आपको प्रॉब्लम्स थी ये मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको माइटोसिस का जो टॉपिक है वो समझने में आसानी हो जाएगी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूंगी। सोमेटिक सेल्स अब देखो, सबसे पहले मैं आपको सोमेटिक सेल्स के बारे में बता देती हूँ जो हमने क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से। देखो सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि सोमेटिक सेल्स हमारे पास स्किन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। क्योंकि देखो इसकी डेफिनेशन पे जाओ, सोमेटिक सेल्स आर दोज सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या दूसरी जो उसकी डेफिनेशन है, सेल्स अदर देन गैमेट्स और जर्म सेल्स आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स। हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जर्म सेल्स जो हमारे पास हैं, रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास सेल्स हैं और गैमेट्स के अलावा जितने भी सेल्स होंगे ना वो सारे हमारे पास सोमेटिक सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। जितने भी अब इसमें एग्जाम्पल्स में यही आएगा, स्किन सेल्स होंगे, बोन सेल्स होंगे, ब्लड सेल्स होंगे, नर्व सेल्स होंगे। मैंने आपसे कहा था ये हमारे पास सोमेटिक सेल्स होते हैं क्योंकि देखो यही चीज़ें हैं, यही हमारे पास सेल्स हैं जो हमारे पास एक बॉडी बनाते हैं ऑर्गेनिज्म की, स्किन, बोन्स, ब्लड, नर्व्स और भी हमारे मसल सेल्स भी इसमें आते हैं। जितने भी हमारे पास सेल्स एक्सेप्ट गैमेट्स और जर्म सेल्स के अलावा जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं उन सबको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। सोमा मतलब होता है बॉडी, वो सेल्स वो जिससे मिल के हमारे पे एक बॉडी बनती है ऑर्गेनिजम्स की उसको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। एक्सेप्ट उसमें कौन से दो सेल्स नहीं आते हैं, मतलब जो सेल्स जर्म सेल्स होते हैं जिससे हमारे पास एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है जिससे आगे स्पर्म्स एग वगैरह जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स हो हम इसको ये भी कह सकते हैं। इनके अलावा जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होंगे वो सारे कौन से सोमेटिक सेल्स है, ठीक है। सोमेटिक सेल्स का मैंने आपको बता दिया, आपने पूछा था कि, और इसमें देखो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यह आपने पूछा था कि सोमेटिक सेल्स हमारे पास यही होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि सोमेटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारे पास बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसमें गैमेट्स और जर्म सेल्स नहीं आते हैं। इनके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होंगे वो सारे सोमेटिक सेल्स की हेडिंग में आएंगे, सोमेटिक सेल्स हम उनको कहेंगे। सोमा मतलब बॉडी होती है, वो सेल्स जो हमारे पास बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को फॉर्म्ड करे उसको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। पिछले क्लास में हमने ऐसे लोग सेल साइकिल के डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हमने मैंने आपसे कहा था फिर मैं आपको पूरी बुक पूरी पढ़ाऊंगी, देन फिर हम एसएलओस के लिए एक वन डे हम रख लेंगे, उसमें हम उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो उसके रिलेट मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। और एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिया स्किन सेल्स, बोन सेल्स, जाहिर है इन्हीं सेल्स से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, ठीक है। और हम अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें ये चीज़ भी मतलब वो कर लो कि सोमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। अब देखो अब आपको क्वेश्चन हमारे पास ये भी हो सकता है कि मैं
हम इस सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस क्यों होता है, मियोसिस क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? देखो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स का होता है, वो सेल्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो सेल्स हाफ हो गए ना, क्योंकि मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे और हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास मिलेंगे, अगर हाफ हो गए तो उससे हमारे पास फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता, वो अपना फंक्शन नहीं कर सकते प्रॉपर। इस वजह से सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस होता है और जर्म सेल्स में तो मियोसिस होता है। ये आपको क्लियर है, मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, क्योंकि हैप्लॉइड क्योंकि हमें जर्म सेल्स के लिए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए। एक मेल सेल है, एक फीमेल सेल है, देन एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे, ठीक है। और सोमैटिक सेल्स हमारे पास कौन से हैं, जिसमें माइटोसिस होगा, क्योंकि अगर इनमें माइटोसिस नहीं हुआ, हमारे बॉडी के सेल्स में माइटोसिस नहीं हुआ, अगर मियोसिस हो गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे और उससे वो अपना प्रॉपर फंक्शन प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और आपने जो क्वेश्चन किया था कि व्हाई मियोसिस इज नॉट टेक पार्ट इन द रिपेयर ऑफ अ बॉडी ऑर्गन, उसका भी हमारे पास रीज़न सेम ही है। देखो मियोसिस का मैंने आपसे कहा था, जो हमें डिफ्रेंसिएशन में हमने ही पढ़ा था कि इट डज नॉट टेक पार्ट, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिपेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ठीक है। हमने आपने फिर मुझसे ये पूछा था, हमने ये क्वेश्चन किया था कि इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिपेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, व्हाई इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिपेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, इसका आंसर क्या है। मैंने आपको जो बताया कि मियोसिस, देखो मियोसिस वो प्रोसेस होता है जो हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हाफ हो जाए, अगर हमारे स्किन सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनके अंदर अब जो रिपेयर वगैरह का काम है वो सारे उनका काम है, अगर उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे तो वो अपना फंक्शन प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, इसलिए इनके अंदर बॉडी ऑर्गन्स में ये हमारे पास मियोसिस काम नहीं करता रिपेयर में, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हमारे पास हाफ हो गए तो वो अपना फंक्शन प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस इसमें काम आता है, ठीक है, और इसमें मियोसिस का काम नहीं होता। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी जो आपको कन्फ्यूजन थी, अगर ये अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा या कोई और प्रॉब्लम है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वापस समझाऊंगी कि क्या है। देखो वापस मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होगी, जर्म सेल्स में मियोसिस होगी। क्यों माइटोसिस होगी? क्योंकि सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो सेल्स, अगर उनमें हैप्लॉइड हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो अपना फंक्शन प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये रीज़न है कि इसमें माइटोसिस होती है। अब जर्म सेल्स में मियोसिस होते हैं, हमें पता है इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं तो इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। अब मियोसिस का प्रोसेस हमारे पास बॉडी ऑफ द रिपेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स और फंक्शंस, दूसरे के फंक्शंस में काम नहीं करता, नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके रिजल्ट में जो हमारे पास बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है, और ये जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स में बहुत ज़्यादा काम आता है, सिर्फ यही होता है इसमें, ठीक है। तो अब ये इसमें काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स की जो रिपेयरिंग का जो काम है वो हम बस जो हमारे पास अदर दूसरे बॉडी सेल्स होंगे, अगर उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे तो उनका जो रिपेयरिंग का काम है और भी दूसरा काम है वो प्रॉपर फंक्शन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मियोसिस डज नॉट टेक पार्ट इन द रिपेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया, सारे जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे थे वो मैंने कर दिए। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो कि कोई सा भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछोगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे चलती हूँ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो माइटोसिस का टॉपिक है। हम सेल साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, पहले हम अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे, मतलब जो चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, देन फिर हम मंडे फॉर SLOs रखेंगे, उसमें आपने डिस्कस करना है। मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, आपने घर में बैठ के SLOs देखने और SLOs में जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे एक दिन मैं आपके लिए रखूंगी और आप वो उस दिन मुझसे सारे SLOs पूछोगी, उसके बाद मैं वापस ज़्यादा डेज में नहीं रख सकती क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क मी, ठीक है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जो कि है वो माइटोसिस का टॉपिक है। मैंने माइटोसिस और मियोसिस में आपकी डिफ्रेंसिएशन करवाई थी जो सेल साइकिल के SLOs में था, ठीक है। आज हमने माइटोसिस को पूरा डिटेलिंग में पढ़ना है क्योंकि उसमें कितने फेजेस होती हैं, उसमें कैसे प्रोसेस होता है, कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में रिमेन सेम रहते हैं, कैसे जो है सारा प्रोसेस हमने आज माइटोसिस में पढ़ना है।
इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन से रिलेट जो आपको मैंने बता दिया कि मियोसिस क्यों नहीं होता, क्योंकि मियोसिस अगर होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, इस वजह से मियोसिस नहीं होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और सोमैटिक सेल्स का भी मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो मैं आपने क्लियर कर चुकी हूँ। माइटोसिस पे चलते हैं। अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, सर आपको ये वीडियो भेज देंगे, ये आप आराम से सुनना, ठीक है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेट किसी भी चीज़ में तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछोगी। सबसे पहला माइटोसिस, आज हमने माइटोसिस स्टार्ट करना है, सेल साइकिल मैंने आपको पढ़ा दिया, माइटोसिस स्टार्ट करना है। देखो बेटा, हमने आज माइटोसिस का टॉपिक स्टार्ट करना है, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमने बस साइटोकाइनेसिस का टॉपिक है इस, अब हम बस टाइम में जितना भी मेरा हो सकेगा मैं आपको समझा दूंगी। अब देखो माइटोसिस, व्हाट इज माइटोसिस, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। एक सेल है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स के अंदर, ईच विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, each with the same number of the chromosomes. For example, देखो 46 सेल, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इसको हम, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने, 46 है। अब ये जब डिवीजन होगी ना, जो इसमें जो टू डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। हमेशा माइटोसिस को, माइटोसिस में ये मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। माइटोसिस वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसमें सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स के अंदर, इज विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है हर जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर फिक्स होता है। अब ह्यूमंस के अंदर फिक्स क्या है, एक 46 है, इससे ज़्यादा अगर या इससे ज़्यादा कम हो जाए तो उससे भी हमारे पास डिजीज़ पैदा होती है, उससे भी डिफ़िकल्टीज एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती है, वो आप बाद में आगे पढ़ोगे। अब देखो ये 46 इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, इसको डिवाइड किया टू डॉटर सेल्स के अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें सेम रहे, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम ही रहते हैं जितने पेरेंट सेल में थे, उसको हम माइटोसिस का प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज़, मैं आपको डिफ्रेंसिएशन में भी अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। और उससे पहले अगर किसी चीज़ों में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब आगे हम चलते हैं, आगे जो कुछ पॉइंट्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए, देखो माइटोसिस का जो हमारे पास प्रोसेस है ना, सबसे पहले ऑब्जर्व जो किया था वो 1880 में जर्मन जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर कि ये कैसे डिवीजन हो रही है और कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। वॉल्टर फ्लेमिंग, इसका नाम अगर एमसीक्यूज के लिए याद रख ले तो अच्छा है। ये हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था सबसे पहले माइटोसिस का प्रोसेस जो है ना इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको माइटोसिस की डेफिनेशन बता दी, एंड देन एग्जांपल एंड देन एक पॉइंट है इसके अंदर जो कि एक लाइक अ क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके पेपर में, तो मैं इसको समझा देती हूँ। अगर हमारा टाइम ख़त्म हो जाए तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करवाऊँगी, ठीक है। और जो मैंने आप समझाया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछोगी, अगर समझ आ जाए तो आप सर को बता देना।
अब देखो यहाँ पे बुक में, देखो बुक में पेज नंबर 89 पे जो हमारे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, माइटोसिस अकर्स ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस, प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ सिमिलर प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिजन, दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं जिसके अंदर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सारे मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और सेल इसमें डिवाइड हो जाता है दो के अंदर विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें माइटोसिस नहीं होता। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई माइटोसिस इज नॉट अंडरगो इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होता, ये मतलब जो मैंने लिखा है उससे आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो अब इसके अंदर माइटोसिस नहीं होता तो कोई और सा प्रोसेस तो उसके अंदर होता होगा, सेल में डिवीजन तो होती होगी, कैसे होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, उसके थ्रू होता है, सिमिलर टू माइटोसिस होता है लेकिन माइटोसिस नहीं होता। सिमिलर टू माइटोसिस एक हमारे पास सेल डिवीजन होती है जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है लेकिन यूकैरियोटिक में तो नहीं होता, लेकिन माइटोसिस जैसा होता है, माइटोसिस नहीं होता, ये पॉइंट सही से क्लियर कर लेना। और बाइनरी फिजन में भी हमारे पास क्या होता है, ये सेल जो है ना वो दो में डिवाइड हो जाता है, सिंपल, ठीक है। इसमें एक और टाइप आती है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल में मतलब मल्टीपल से आपको ये भी समझ आता है एक से ज़्यादा सेल्स में डिवीजन हो जाती है उसमें। अब देखो यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और माइटोसिस होती है, देखो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसमें जो माइटोसिस होगी ट्रू न्यूक्लियस की वजह से, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस क्यों होती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो प्रॉपर तरीके से सेल की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उसके बाद दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ट्रू प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या सीन है, इसमें देखो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फॉल्स न्यूक्लियस इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है तो इसमें माइटोसिस नहीं होती। अब आप खुद सोचो इसमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, उसमें प्रॉपर नंबर ऑफ मतलब चीज़ें, प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एवरीथिंग इज नॉट प्रेजेंट ना इसके अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइटोसिस नहीं होती। अगर इसमें डिवीजन होगी तो न्यूक्लियस तो उसके अंदर प्रॉपर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में डिवाइड होना मुश्किल हो जाएगा और साइटोप्लाज्म का बाद में डिवाइड होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, तो इसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अब माइटोसिस नहीं होता होगा तो कुछ और तो होता होगा ना जिससे सेल डिवाइड होता है, जाहिर है अब ग्रोथ तो बढ़ानी है, डेवलपमेंट तो होती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो प्रो हो या यूकैरियोटिक हो, कैसे होता है, सिमिलर टू द माइटोसिस एक प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन, उसके थ्रू इसमें डिवीजन होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ये आपके मतलब आ सकता है क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस क्यों नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस क्यों होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे भी आपके कॉपी में भी लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड डू नॉट फॉर्म स्पेंडल्स ड्यूरिंग डिवीजन। अब स्पेंडल फाइबर्स क्या होते हैं वो आप आगे जब मैं पढ़ाऊंगी फेसेस उसमें आपको पता चलेगा, जो स्पेंडल फाइबर्स हमारे पास ऐसे मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स को अलग कर देते हैं, एक क्रोमोसोम को एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड दोनों को अलग कर देते हैं लाइक दिस, जैसे कि ये सेल है, ये स्पेंडल फाइबर्स यू हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये स्पेंडल फाइबर्स आके सेंट्रोमियर से डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं, अटैच होके ये एक स्पेंडल फाइबर एक क्रोमेटिड को लेके अलग हो जाता है और एक स्पेंडल फाइबर दूसरे क्रोमेटिड को लेके अलग हो जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस इसमें माइटोसिस का। अभी आगे जब फेसेस पढ़ेंगे ना उसमें ये सारी चीज़ें होंगी,
ठीक है, अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती. क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होते, तो डिवीजन में प्रॉब्लम होती है. अब इसमें सब कुछ प्रॉपर प्रेजेंट है, तो स्टार्ट में पहले माइटोसिस के प्रोसेस में मैं आपको पढ़ाऊंगी पहले कैरियोकाइनेसिस होती है. उसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड होना पड़ता है एंड देन साइटोप्लाज्म को. जब इसमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें डिवीजन नहीं हो सकती. दिस इज द रीजन दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट अंडरगो माइटोसिस. आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, मैंने इसको बहुत क्लियरली समझाया है. फिर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से ये चीज़ें रिपीट कर दूँगी. जो भी कोई एनी क्वेश्चन रिलेट टू दिस टॉपिक मैं आपको बता दूँगी. नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं फेसेस ऑफ माइटोसिस से. माइटोसिस पे चलते हैं. जो हमारे पास फेसेस हैं, पहले हमने माइटोसिस पढ़ ली, कौन से साइटलिस्ट ने हमारे पास पहले ऑब्जर्व किया था, एंड देन हमने डेफिनेशन कर ली, एग्जांपल कर लिया, और एक जो मतलब इम्पोर्टेंट था ये पॉइंट आपको बताना था कि माइटोसिस में प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में होती है. ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, कोशिश तो मैंने पूरी की है कि समझ आ जाए. एंड देन अब आते हैं हम फेसेस ऑफ माइटोसिस पे. एसलोस के लिए मैं आपका एक वन डे रखूंगी, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल हम अपने बुक के जो टॉपिक वाइज हम चलते हैं, जो हमारे पास माइटोसिस है, देन मियोसिस है, उसके बाद आई थिंक आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब देखो फेसेस ऑफ माइटोसिस में हमारे पास टू मेन हमारे पास इसमें फेसेस होती हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग में आप ये टू मेन हमारे पास फेसेस हैं. ठीक है, टू मेजर हमारे पास माइटोसिस में फेसेस आती है. एक होता है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. एक सेल है, एग्जांपल अगर हम इस सेल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर इसका ये न्यूक्लियस है. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है. जब तक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. अगर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे. ठीक है, ये सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये बाहर वाली लेयर है. ठीक है, अब इसका जो हमारे पास है यहाँ पे डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस हो गई, तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है ना उस फेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म की जो न्यूक्लियस डिवीजन होती है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. अब ये सेल था, इसमें पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हुई एंड देन अब इसमें साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होगी. ये साइटोप्लाज्म इसका अलग हो गया, ये चीज़ यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. अब ये सेल है इसका न्यूक्लियस है, ये सेल इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, अब इसमें देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि साइटोकाइनेसिस डिपेंड ऑन द कैरियोकाइनेसिस. ये मतलब एमसीक्यूज के टाइप से भी अगर इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास साइटोकाइनेसिस डिपेंड करता है कैरियोकाइनेसिस के ऊपर. जब तक हमारे पास कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, जब तक न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं होगी, तब तक साइटोकाइनेसिस नहीं हो सकता. देखो अब सेल इस डायग्राम से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है ये सेल है. जब तक इसमें ये दो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होंगे तो ये साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, ये इर्द गिर्द कैसे बनेगा, जब मतलब कुछ होगा ही नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी किसी भी सेल में, हमेशा इंपॉर्टेंट. माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस पहले होगी एंड देन साइटोकाइनेसिस होगी. ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस क्या है, डिपेंड करती है कैरियोकाइनेसिस पर. फेसेस ऑफ द माइटोसिस हमने डिस्कस किया, टू मेन फेसेस. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया. साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म था डिवाइड हो गया इसका. ठीक है, और ये इस पर डिपेंड करता है, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा सेल डिवाइड नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा. एंड देन हम अभी चलते हैं आगे, जो उसकी सब फेसेस है. अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर और भी फेसेस आती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे.
हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है, हमारे पास 5 मिनट्स हैं सिर्फ, तो इसमें मैं आपको सिर्फ फेसेस वगैरह और इंट्रोडक्शन वगैरह दे देती हूँ फेसेस का, हमारे पास कौन कौन सी फेसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरी चीज़ें समझा दूँगी, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो सो यू हैव टू आस्क। देखो कैरियोकाइनेसिस के हमने पढ़ा, माइटोसिस के अंदर हमारे पास 2 मेन फेसेस हैं, वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर सब फेसेस हैं, सब स्टेजेस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी फेसेस आती है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड देन टेलोफेस। टेलोफेस ठीक है। हमने पढ़ा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में हमने कहा है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें डिवीजन साइटोप्लाज्म का होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर और भी हमारे सब फेजेस होती हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे होती है, हर एक फेज में अलग अलग हमारे पास चीज़ें होती हैं। इसमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, इसमें विजिबल हो जाते हैं। इसमें फिर इसका रिवर्स होता है, आई थिंक ऐसे रिवर्स। उसके बाद फिर एनाफेज हम इसमें पढ़ते हैं, फिर देन टेलोफेज। अगर टेलोफेज आती है इसमें रिवर्स होता है कि इसमें हमारे पास बाकी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो ये सारी फेसेस के साथ हमारे पास न्यूक्लियस में डिवीजन होगी। इस न्यूक्लियस में डिवीजन होना बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज़ है, तो इसमें सारी आराम आराम से सारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जब हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो गया रेडी हो जाएगा एंड देन साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, वो हम जब डिस्कस करेंगे जब हम ये इस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास न्यूक्लियस रेडी हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में इसका जो सेल वॉल होगी, सेल जो होगा वो दो में डिवाइड होगा, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल हम लोग प्लांट्स के उसमें हम देखेंगे। मैंने आपको यह बता दिया कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। अब हमने इनको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमें माइटोसिस का पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझना है, इसके लिए इन तीनों को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले प्रोफेज स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं, याद करवा दूं, जो हमने पढ़ा था पहले 6 साइकिल में इंटरफेस में पढ़ा था। इंटरफेस हमारे पास वो फेस होती है जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ठीक है। देखो अब सेल में डिवीजन होने वाली है, हमें पता है सेल 2 डॉटर्स में डिवाइड होने वाला है, तो उस सेल के अंदर क्या ऐसे चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यार दिस सेल इज़ रेडी फॉर द डिवीजन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो हमारे यहाँ पास लिखा हुआ है, जो हमारे पास पूरा जो साइकिल बना हुआ है ना उसे हम देखना। सबसे पहले यहाँ पे इंटरफेस का लिखा हुआ है। इंटरफेस में देखो हमारे पास क्या होगा, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक बॉडी होती है सेल में जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इस बॉडी को क्या कहते हैं हम, सेंट्रोसोम। और इसके अंदर जो है उसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, इसके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। देखो अब ये सेल, हमने इस सेल को देखा, अगर हमें पता करना है कि यार अगर ये सेल हम किसी सेल को देखें और हमें कोई बोले कि आप बताओ इसमें ये सेल डिवीजन के लिए तैयार है या नहीं, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे इस सेल में कैसे हम करेंगे। जब तक इन दो सेंट्रोसोम्स की डिवीजन नहीं होती है, सॉरी डुप्लीकेशन नहीं होती है, मतलब अलग हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार दिस सेल इज़ रेडी फॉर द सेल डिवीजन। एंड देन फिर इसमें प्रोफेज होगी, टेलोफेज होगी, एनाफेज, सारी फेजेस होंगी और माइटोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये सेल है, ये सेंट्रोसोम है, दिस इज़ अ सेंट्रियोल एंड दिस इज़ अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये सेल अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हम इसको देख के बोलेंगे नहीं ये सेल डिवीजन के लिए भी तैयार नहीं, जब तक इसमें ये अलग अलग ना हो जाए, सेंट्रियोल्स के बीच में डिवीजन ना हो जाए, तब तक सेल डिवीजन के लिए रेडी नहीं होता, ठीक है। देखो ये अब इस ये हम इस पूरे को बोलेंगे सेंट्रोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम।
ये जो आपके प्रोफेस के जो फर्स्ट हेडिंग में देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ लो एक मरतबा तो आपको चीज़ें सही से समझ आ। देयर आर टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, टू सेंट्रियोल्स, दीज आर टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड, देखो इसके अंदर टू सेंट्रियोल्स है, इस उस पूरे को हमने क्या बोला, सेंट्रोसोम बोला, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईस्ट सेंट्रोइल डुप्लीकेट एंड थस टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म, ईस्ट सेंट्रोइल डुप्लीकेट हो जाएंगे, एक एक अपने जैसा एक और बना देगा, ठीक है। अपने जैसा एक और बना दिया, बनाने के बाद ये क्या बना, अपने जैसे उसने टू सेंट्रोइल्स बना दिए। इस पूरे को हम सेंट्रोसोम कहेंगे, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर को अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सेंट्रोइल कहेंगे। Both centrosomes migrate to the opposite poles of the cell. Here they give rise to the microtubules. अब ये अलग चीज़ है, हमें मैं आपको नेक्स्ट फेज में बताऊँगी, प्रोफेज में बता दूँगी, प्रोफेज में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। देखो अब ये सेल, आपको ये सेल देखिए पता चल जाना चाहिए कि दिस सेल इज रेडी फॉर द डिवीजन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोइल्स की डिवीजन हो चुकी है, डुप्लीकेट बन चुका है इनका। अब इसमें हमारे पास प्रोफेज का होगा, कि हमें फिर प्रोफेज में बस क्या होगा, इसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, विजिबल नहीं होंगे, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स वो क्रोमेटिड के फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता सारी चेंजेस इसमें आती रहेंगी। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, एक मिनट ज़्यादा भी हो गया है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफेज से स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूँगी, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और इस लेक्चर में कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आए तो यू हैव टू आस्क मी, ठीक है। जो आपकी जो प्रॉब्लम थी मियोसिस के बारे में, सोमैटिक सेल्स, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यही मैंने हाफ मैंने प्रोफेज माइटोसिस की जो फेसेस थे वहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसके फेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोफेज से स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।